है इसको, लिखो द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है अभी? एक दोस्त फार्मूला ये बनता है, टोटल डिस्टेंस, आप वहाँ तक टोटल डिस्टेंस स्टार्ट कर लो भाई, बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। रोहतक की डिस्टेंस कितना? 40 किलोमीटर मान लेते हैं, यस और नो? टाइम लगा मेरे को कितना? एक घंटा भाई, 60 मिनट, नंबर ऑफ सेकंड में डाल लीजिए इसको, मिनट में हावर में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। कितना आप क्या चले हो? 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस है टोटल मिला के, और एक घंटे में पहुँचे हो भैया, तो क्या बोलोगे आपकी स्पीड कितनी रही? 60 किलोमीटर पर आवर की मेरी एवरेज स्पीड रही हुई। एक्चुअली में आपने देखा हो, मीटर को देखा होगा, तो मीटर कभी 80 पे गया होगा आपका, कभी 50 पे भी आया होगा, तो पूरा मिला के कितना एवरेज आया? 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? यस सर नो? लेकिन कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपको डिस्टेंस ना दे के स्पीड दे दी जाती है, आपको ये बोलता है कि जुड़ना चलना शुरू किया आप लोगों ने, लखनऊ जाए तो चले आप 30 किलोमीटर पर आवर से भी, ठीक है, और उसके आगे चले आप 50 किलोमीटर पर आवर से, तो रोहतक तक की एवरेज स्पीड निकालो कितना आएगी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, दो स्पीड हैं, दोनों का जोड़ा दो से भाग दे दो, ये गलत आंसर होता है, एवरेज ऐसे निकलती यहाँ से, ठीक है। तो कैसे निकलती देखिएगा, दो पॉइंट मान लेते हैं रास्ते में, दो पॉइंट अभी, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कौन सा है? बी, लखनऊ माजरा रोहतक, कर पाओगे? कुछ भी स्पीड हो सकती है यहाँ तक, क्योंकि मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है भाई। स्पीड कितनी मान लेते हैं? वी वन। ए पे कितनी स्पीड है? बी वन। इस पे वी टू। और यहाँ से लखनऊ माजरा, लखनऊ माजरा रोहतक, वो बराबर डिस्टेंस के हैं अभी, सही है, तो डिस्टेंस को बराबरी मान लो। यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं, या डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पीड को कैसे लिखते हैं? वी से लिखते हैं, वेलोसिटी और स्पीड को वी से लिखा जाता है, डिस्टेंस को एस से लिखे या एक्स से लिखा जाता है, एक्स या डी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई सिंबलिक फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, आपकी मर्जी से जो आपको याद हो उसके हिसाब से लिखना। मैं सिंबल वो यूज़ कर रहा हूँ जो बुक में दे रखे हैं, एग्जैक्टली सिंबल जो है, ये भी ऐसे भाई बराबर डिस्टेंस के भी, ठीक है। टाइम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ तक टाइम कितना भाई क्लास? टी वन। यहाँ तक टाइम कितना है? टी टू। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये आपको गिवन नहीं है भाई, एस और एस, टी ओ, टी वन और टी टू, क्या गिवन आपको? सिर्फ स्पीड गिवन है अभी, तो इनकी एवरेज कैसे निकालोगे आप लोग? आपको ये गिवन है कि आपको जाना है रोहतक भाई, और स्पीड क्या रही है आपकी? 30 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम जुलाना टू रोहतक टू, सही है, उसका फार्मूला क्या बन सकता है? फार्मूला तो एक ही बनता है भाई, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही है। तो क्या डिस्टेंस होगी टोटल बाई एवरेज स्पीड? फार्मूला तो एक ही बनता है भाई, एस यहाँ पे चले, एस यहाँ पे चले, तो एस प्लस एस, टाइम कितना हो गया? टी वन प्लस टी टू, फार्मूला तो वही है भाई, एस प्लस एस, टी वन प्लस टी टू। ना तो आपको एस गिवन है, ना आपको टी गिवन है, प्रॉब्लम क्या है? आपको वेलोसिटी गिवन है, सॉरी स्पीड गिवन है भाई। क्या आप स्पीड में टी वन निकाल सकते हो? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वन भाई? वी वन का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे ले लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वन? कितना डिस्टेंस है? एस। टाइम कितना है? टी वन। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से क्या टी वन निकाल सकते हैं आप लोग? क्या आएगा? वी वन एस भी ये आएगा, कुछ भी बोल देते हैं, एस बाई वी वन, सही है। सेम भी, व्हाट इज वी टू? डिस्टेंस बाई टाइम भी, ये भी डिस्टेंस कितना है? एस ही है। टाइम कितना है? टी टू है। कितना होगा टी टू की वैल्यू भी? एस बाई वी टू। एनी प्रॉब्लम भाई? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन भी, क्या रख देते हैं इसको फर्स्ट में? फर्स्ट क्या है? एवरेज स्पीड।
तो लिखो एवरेज स्पीड किसके बराबर, साथ में लिखा करो भाई, तभी समझ में आएगा। तो साथ में लिखोगे वो टाइम जा लिया, जब पहले मास्टर कराओगे फिर तुम करोगे बैठ के, पहले तो मास्टर समझ जाएगा फिर तुम टप्पा मारोगे उसको, साथ साथ में लिखते जाओगे समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। अभी सभी खाली बैठे थे ना, मैं अकेला लिखना रहता, मन्ना के बसवाऊँ भाई है ना, जल्दी करो। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको, समझ में कंडीशन क्या गिवन, आपको स्पीड गिवन है ना, डिस्टेंस गिवन है ना, टाइम गिवन है भाई। वो तो हमने मान लिया कि एस डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ मैं, बराबर ना हो तो उसका भी एक कंडीशन है, बताऊँगा आपको ऐसे लगे बराबर ना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अरे हो गया क्या, बता दो, नहीं बताओगे, हो गया। तो फर्स्ट में रखिए भी, पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशंस भी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस प्लस एस, कितना हो गया 2s ले सकता हूँ, डिवाइड बाय t1 प्लस t2, देखो यहाँ पे कितना आएगा, s बाय v1 ले सकता हूँ भाई, प्लस s बाय v2। एनी प्रॉब्लम क्लास पे, t1 t2 का वैल्यू पुट कर दिया, यस आर नो, रब कर दें ऊपर वाला। देखिए अभी डायग्राम हो गया सभी का, ये तो बनाया नहीं होगा, यहाँ से एस को मैं निकाल सकता हूँ भाई नीचे वाले से, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, देखिए 2s ऊपर है अभी, नीचे मैंने एस को मैं निकाल लिया, क्या बचा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 भी, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, एस से एस काट दूँ तो कितना आंसर हुआ अभी 1 या 2 बाई, इसका कितना एलसीएम होगा क्लास, v1 v2, यहाँ पे लिख सकता हूँ v2 प्लस v1 भी, सही है कि नहीं है। तो बट द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड भी कितना होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 भी। एनी प्रॉब्लम क्लास, दिस इज द एवरेज फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड वैन स्पीड आर गिवन वे, अगर डिस्टेंस गिवन है तो एक ही फार्मूला है, डिस्टेंस बड़े टाइम कर दो भाई, सीधी सी बात है, कर लोगे यस आर नो। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि बॉडी चल रही है विद 2 स्पीड, कौन स्पीड है 30 km/h एंड 50 km/h बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स भी, ओके फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन दीज 2 पॉइंट, कैसे निकालोगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्या होगा 2 × 30 × 50 डिवाइड बाई 80 लिख दे दो, 30 + 50 यस आर नो, कुछ कट रहा है, सही है, कितना 75 है, कितना 70, समझ में आई बात है, कर पाओगे भैया। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी ये क्या चीज़ होती है भाई, इंस्टेंटेनियस वर्ड जब भी आप सुनो भी फिजिक्स के अंदर होता स्मॉल के लिए होता है, स्मॉल चेंज के साथ आंसर से, किसके लिए होता है हमेशा स्मॉल के लिए, कि थोड़ा सा चले हैं थोड़ा टाइम है, निकालो कितनी स्पीड आई, निकाल लो भाई दिक्कत क्या रहेगी, फर्मा तो एक ही बनता है डिस्टेंस बाई टाइम, कर लोगे देख लीजिएगा क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन इट इज़ द स्मॉल चेंज इन, इट इज़ द स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, इट इज़ द स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल चेंज डिस्टेंस में स्मॉल टाइम के हिसाब से भी आंसर तो वही है अभी, स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, उसको लिखता हूँ ऐसे भी,
ये क्या लिख दिया ना, ये क्या है अभी? स्मॉल चेंज किसका होता है? डेरिवेटिव ही होता है स्मॉल भी। अरे कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव है ये डिस्टेंस का टाइम के साथ भी। स्मॉल चेंज काम नहीं करा आप लोगों ने, डेरिवेटिव नहीं करा था भाई, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया गया था। यस सर नो, जब भी आपको ये चीज़ निकालनी पड़े क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो भाई, करना आता होगा। यस सर नो, किसका डेरिवेटिव करोगे? डिस्टेंस का, किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। जो आंसर आएगा स्पीड का होगा। एनी प्रॉब्लम भाई, कर पाओगे? देख लो, लास्ट टाइम पॉइंट हुआ था इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी, याद है? तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो एग्जांपल, लिखते हैं उसका कोई एग्जांपल लिखिएगा। लिखिए ए बॉडी इज मूविंग, ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2t3 + 2t + 5 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन भी, एक बॉडी चल रही है अभी, ओके, जिसमें x क्या है डिस्टेंस है, t क्या है टाइम। फाइंड आउट द, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉडी, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड। प्रॉब्लम क्या है भाई क्वेश्चन में? आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है अभी, डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है। अब ये मत करना इसमें डायरेक्ट टाइम पुट करके आंसर निकाल लो भैया, हो गया मेरा तो पूरा। आफ्टर टाइम कितना है? 2 सेकेंड में। अगर आपको ध्यान हो मैंने स्पीड को लिखा था v इज इक्वल टू dx/dt या ds/dt, इंस्टेंटेनियस ही होता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? dx/dt या ds/dt, s या x इज डिस्टेंस। कैसे लिखोगे? d/dt, किसका डेरिवेटिव करना है आपको? 2t3 + 2t + 5, कितना डेरिवेटिव हुआ भाई? बोल बाल के होंगे पुरानी बातें, 6t² + 0 डेरिवेटिव करना था है। यस सर नो, अब क्वेश्चन क्या किया गया, आफ्टर टाइम 2 सेकेंड निकालिएगा, व्हेन टाइम इज, कितना टाइम भाई? 2 सेकेंड, देन वी इज इक्वल, पुट कर दो टू का, टी का फार्मूला, टी के अंदर 2, 6 × 2² + 2 भी कितना हो गया भाई? 4 × 6 = 24 + 2 26 meter per second में, दिस इज आंसर। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्यों बनाया गया था? अगर आपको डिस्टेंस वैल्यू ना दे के इक्वेशन दे दिया जाए तो कैसे निकलोगे उसको? क्या कर दोगे उसका? डेरिवेटिव कर दोगे। यस और नो, कर पाओगे? नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। स्पीड हो गया कंप्लीट भाई, अब वेलोसिटी को करते हैं। देखिएगा वेलोसिटी क्या है, लिखो डेफिनेशन लिखिएगा। द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कुछ डिफरेंस लग रहा है स्पीड में? स्पीड में क्या था? डिस्टेंस था भाई, यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है भाई। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम हो जाएगा। एक और लिखिए, और डाल के लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझ में आई? रेट वर्ड किसके लिए था? जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए भी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेट बोलते हैं। कर पाओगे? तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा भाई? इसको भी वी से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, स्पीड को भी वी से लिखते हैं और वेलोसिटी को भी वी से लिखते हैं, फर्क क्या दोनों में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क क्या है? डिस्टेंस तो एक्चुअल होता है अभी, कितना ट्रेवल किया हम लोगों ने, और डिस्प्लेसमेंट कम से कम कितना ट्रेवल किया, ट्रेवल तो किया ना, ये सर ना, तो वही आंसर दोनों के लिए। समझ में आई बात है? यूनिट क्या होगी भाई इसकी? यूनिट ऑफ वी इसकी कितनी होती है डिस्प्लेसमेंट की? मीटर। टाइम की? तो आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकंड, और लिख सकता हूँ मीटर सेकंड इनवर्स भी, सेकंड को ऊपर ले गया, मीटर सेकंड इनवर्स। एनी प्रॉब्लम भाई? डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? लेंथ का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ है L1, टाइम का T1, कितना हुआ? M तो है ही नहीं, मास तो है ही नहीं, L1 T-1। हर एक के टॉपिक का मैं बोलूँगा डायमेंशन लिखेंगे भी, जब भी आपको फार्मूला पता होगा उसका डायमेंशन लिखा जाएगा भी। कर लोगे? एनी प्रॉब्लम भाई? वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर है भी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या होना चाहिए? वेक्टर होनी चाहिए, डायरेक्शन तो आएगी साथ में, तो लिख लीजिएगा वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या लिखोगे? इट इज ए वेक्टर, या वेलोसिटी इज ए वेक्टर। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है। वेक्टर क्या होते हैं? जिनके डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों हो भाई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम भाई? कर पाओगे? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। एनी प्रॉब्लम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या फर्क होगा भाई? यूनिफॉर्म कैसे बोला था मैंने? एक बॉडी चलना शुरू किया करती है, पॉइंट आ रहे हैं, ये जीरो पॉइंट है, ये 5 मीटर का है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये टाइम जीरो है भाई, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 6 सेकंड है। इंटरवल कितना है इनके बीच का भी? 5। यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला इंटरवल टाइम का 2 सेकंड, इनके बीच का 2 सेकंड, इनके बीच का 2 सेकंड भी। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ए बी सी। ए से बी कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्प्लेसमेंट है? 5 मीटर ही है, एक ही बोल सकता हूँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है इक्वल टाइम में, इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिख लीजिए, लिखिए व्हेन ए बॉडी ट्रेवल, यूनिफॉर्म में लिखिएगा भाई, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा अभी। सही है, कर दे कंप्लीट। कितना वेलोसिटी होगा यहाँ पे? 5/2। यहाँ पे कितना होगा? 5/2। यहाँ पे कितना होगा? 5/2। सीधी सी बात है, जहाँ पे वेलोसिटी बराबर हो वो क्या है? यूनिफॉर्म। अभी हर जगह वेलोसिटी क्या हो? बराबर हो गई, वो क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्म। कर पाओगे? एनी प्रॉब्लम? इसका सेकेंड पार्ट डालिएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म कैसे लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट और टाइम में से किसी एक को क्या कर दो? अनइक्वल कर दें, या दोनों कर दो, मर्जी आपकी है। सही है कि नहीं है? ये मान लेते हैं कितना है? 5 मीटर भाई, ये है 7 मीटर, ये है 15 मीटर भी, टाइम है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड भी। नीचे वाला टाइम है, ये वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कितना इंटरवल अगला उस यहाँ पे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5, ये वाला 8, ये नी टाइम 2, ये वाला क्या बोले लिखवाएं इसमें? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सही है, लिख लीजिए, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी एक को क्या करना, आपको अनइक्वल करना, किसी को कर दो चॉइस आपका, या दोनों को कर दो, ये भी मर्जी आपकी भी। कर लोगे इक्वल डिस्टेंस या सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। वेलोसिटी कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। डायग्राम बना लिया करो साथ में, समझ जाओगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी तो एवरेज जब भी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। मैं सभी लिख लीजिए, इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या है क्लास, इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टोटल टाइम भी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन ए टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, क्या रख दोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। स्पीड में एक फार्मूला और तैयार किया गया था अभी, याद है, 2v1v2 डिवाइड बाई v1 plus v2, याद है कि नहीं है। तो इसका भी कुछ अलग से होना चाहिए फार्मूला भी, इसके अलावा भी। इसका फार्मूला क्या, देख लीजिए, लिख लीजिए, लेट v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, बीच का क्यों लिया अभी। अगर आपको याद हो डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही करता है। वो क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये भी उस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल पर फाइनल पे। तो चेक करेंगे इनिशियल की वेलोसिटी कितनी है, फाइनल की कितनी है, तो एवरेज कितना आएगा अभी, एवरेज स्पीड वेलोसिटी भी। सिंपल है भाई, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, इसमें कुछ नहीं करना है। तो बीच वाले पे डिपेंड ही नहीं करता ही, तो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट पकड़ लेते हैं। सही है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब भी ये वर्ड आएगा किसके लिए आएगा, स्मॉल चेंज के साथ भी। लिख लीजिएगा क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एकदम से हो गया अभी, इंस्टेंटली, ठीक है। देख लीजिए, इट इज़ द स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बंद कर दी। इट इज़ द स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल चेंज इन टाइम। इन स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट में, स्मॉल चेंज टाइम के साथ भी। मतलब वेलोसिटी v इज इक्वल टू, क्या लिखूँ, इंटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दो भाई, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट बदल रही है टाइम के हिसाब से। तो बोल सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी, स्मॉल चेंज भी। तो दो तरीके लिखने के, लिमिट डेल एक्स बाई डेल टी, डेल टी एक्सटेंड टू जीरो। मैथमेटिक्स में पाएंगे इस चीज़ को। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, जहाँ फार्मूले तैयार किए जाते हैं अभी। और इसका फार्मूला तैयार होंगे क्या बनेगा, dx बाई dt। ये है सेकंड प्रिंसिपल डेरिवेटिव जो हमको यूज करना होता है अभी। तो ये तरीका लिखने का इसका, जब मैथ पढ़ेंगे उनके टॉपिक आएगा लिमिट क्या होती है। पहले टॉपिक क्या पढ़ाया जा रहे हैं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हाँ वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथ वाले कितने बच्चे हैं, बस गर्ल्स में तो कोई मैथ नहीं ले रखा। हाँ तुम लोग बायो के सारे क्या कर दोगे बायो में, मैथ अच्छा है, बायो में गुणा भाग तो है नहीं कहीं पे भी। क्या रट्टे मारोगे, कितने रट्टे मारोगे, हैं अच्छा। मैं तो बोला कहते हैं
लिख दिया वेलोसिटी कंप्लीट हुई, वेलोसिटी पूरी हो गई, स्पीड वेलोसिटी दोनों क्या उसके हैं कंप्लीट हुई। ठीक है, अब इतने सारे बच्चे बायो ले बैठे हैं भाई, पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते? आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अभी मेडिकल में जाने का भी। क्यों? आपके जो आईआईटी का नीट का पेपर होगा ना, नीट का 50% बायो आओगे भी, 25% मैथ, 25% केमिस्ट्री, 25% फिजिक्स। अगर बायो ढंग तक कर रहे हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा MBBS में भी। और तुम्हारा 33% केमिस्ट्री, 33% मैथ, 33% फिजिक्स भी ले लो आगे हमारे का भी एक पढ़ोगे, आपके एग्ज़ाम्स में 50% बायो होगी। अगर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 50 क्वेश्चन किसके होंगे? अकेले बायो के होंगे। 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 25 से फिजिक्स के। अगर आप 50 क्वेश्चन ढंग से करो ना बायो के, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बातें नहीं सेम आपका, अगर आपका आईआईटी का फॉर्म भरते हो भाई, आईआईटी का फॉर्म भरते हो तो टॉप 100 रैंक्स या टॉप 1000 रैंक्स तक, जिसको बोलते हैं नाम एडवेंचर कॉलेज, मिलेंगे आपको। उसके बच्चे लिए कितना परसेंटेज चाहिए अभी आईआईटी में? अगर आपका पेपर 400 नंबर का होता है या 400 का, 400 का होता है शायद पेपर, मेरे को याद नहीं कितने का होता है, 100 का पेपर मान लिया, 100 का होता है आपका पेपर भी, जिसमें 33 नंबर की आएगी फिजिक्स, 33 की आएगी केमिस्ट्री, 33 की आएगी, एक दो नंबर ऊपर जाएगा किसी का, 34 का हो जाएगा, 100 नंबर पढ़ने हैं अभी। 100 नंबरों में से कितने नंबर चाहिए आपको आईआईटी के टॉप कॉलेज में लेने के लिए? सोच लो कुछ तो सोचो, 70 से ऊपर, 90 से ऊपर हो, कुछ भी बोलो, कितना चाहिए? सिर्फ 40% टॉप कॉलेज में लेने के लिए इंडिया के, ओनली 40%। इससे कम इमेजिन कर पा रहे हो? 100 में से इसका 40 नंबर आ गए, उसका एडमिशन टॉप कॉलेज में हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या, 40 में नहीं आते भी, आसान थोड़ी है अभी। अब जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, ढंग की तैयारी करते हैं, तो बहुत सीरियस हैं इनके बारे में, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यही पता होना चाहिए। किसी बच्चे को केमिस्ट्री नहीं आती, छोड़ दे भाई, सीधी सी बात है भाई, वहाँ पे आईआईटी में बहस नहीं होती किसी बात के ऊपर। आप आईआईटी की कोचिंग ले रहे हो, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है, हर क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया? आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, छोड़ दो, कितना बच गया? 100 में से 33 गया तो कितना बच गया? ये हमको होता ही नहीं, मैथ ले बैठे हैं ना अभी, कितना 67, ये भी फोकस करोगे तो 40% नंबर आ जाएं तो उनमें से भी। तो आईआईटी वाले क्या करते हैं पता है? अच्छे से दो लोग तैयारी करते हैं, उनको टॉपिक समझ में नहीं आया उसको समझते नहीं हो, छोड़ देते हैं। समझ में आया? पता है कोई फायदा नहीं इसके लिए बहस करने का, और मेहनत कर लेते हैं, इसकी जितनी मेहनत और में कर लेंगे। सेम तुम्हारा है जो मेडिकल लेंगे, ढंग से बायो की तैयारी कर लो, आपका एडमिशन हो जाएगा। पर दिक्कत क्या है, बायो तो ढंग से करते नहीं, ना केमिस्ट्री करते ना फिजिक्स करते, हम तो पास भी नहीं होंगे। होंगे, हो जाओगे अभी, कहाँ होंगे? जिस दिन बहाने मारने छोड़ दोगे उस दिन पास होगे। बहाने मारते हो? मार रहे हो, गला का ही कौन था मैं? नहीं कर दे रहा इसको, तो क्या किया घर पे तूने पूरे दिन? घर पे मजा था फिर तो, कुछ बना खा आराम से, अकेला था। आगे करें भाई, बुक देने के बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है, बुक है हाँ, इतनी भारी बुक कौन लेके आए ना भाई, इतनी मोटी किताब है, 6 फुट की बोला हूँ भाई, पैकेट बेचा तो बाजार में, बुक के भी नहीं, बुक के बूढ़ी बूढ़ी वाले देते हैं पैकेट वाले, 6-7 आएंगे तुम्हारी बुक के भी, खाए हैं कि नहीं खाए? ठीक है, इतनी मोटी किताब कौन लेके आओ भाई, लेके आओ नेक्स्ट भी। हो गया, नेक्स्ट क्लास तुम है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन
टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, या एक नाम और भी है इसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं इसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपको अपने मोशन को रिप्रेजेंट करना हो इन ग्राफिकल फॉर्म में, कैसे करोगे? ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ बनाना है अभी आपको, पहला ग्राफ जब बॉडी रेस्ट पे होगी, व्हेन बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? किसके बीच का ग्राफ बनाना है? एक तरफ क्या होगा? डिस्टेंस होगा, एक तरफ क्या होगा? टाइम होगा। ये बनाते हैं ग्राफ ऐसे, एक तरफ डिस्टेंस होगा, एक तरफ क्या होगा? टाइम। बताना आपकी बॉडी रेस्ट पे है, इसको ग्राफ में दिखाना आपको। ग्राफ में कैसे दिखाओगे बताओ? जीरो पे ग्राफ बनेगा कैसे भाई? ये बेंच है, बेंच मेरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे है। टाइम देखना शुरू किया, 2 बज रहे हैं भाई। टाइम देखा, डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। 3 बजे 1 मीटर, 4 बजे 1 मीटर, 5 बजे 6 बजे। ग्राफ कैसा बनाओगे? ग्राफ बनाने के लिए मेथड क्या बनानी पड़ती है? टेबल बनानी पड़ती है, याद है? टेबल किसके बीच की? एक्स और वाई के बीच की, या डिस्टेंस और टाइम के बीच की? डिस्टेंस और टाइम के बीच की, डिस्टेंस और टाइम। जब टाइम 0 था, जब ने देखना शुरू किया 2 बजे, 0 टाइम है, ऑब्जर्व किया जब आपने, तो कितना डिस्टेंस था? 1 मीटर का था। 2 बजे, 1 घंटे बाद 1 मीटर, 2 घंटे बाद 1 मीटर, 3 घंटे बाद 1 मीटर। यस और नो? तो अगर आपकी पोजीशन शेप क्या आएगी? ये टाइम 1 मीटर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, जो भी बनते हैं, ये 1 मीटर, 2 मीटर। तो पॉइंट क्या आएंगे? 1 मीटर के पॉइंट आएंगे। जब टाइम 0 था तो ये पॉइंट आ गया, यस और नो? जब टाइम 1 घंटा हुआ तो ये पॉइंट आ गया 1 मीटर। 2 घंटे हुए 1 मीटर, 3 घंटे हुए 1 मीटर, 4 घंटे हुए 1 मीटर, मिलाएं तो स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या आया? स्ट्रेट लाइन, सही है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दिस इज द ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट।